गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियांश अकेडमी। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो करंट अफेयर का टॉपिक है और आप सबने बहुत ही इसकी चर्चा सुनी होगी, कैब बिल। आपको पता है सब डेली डेली न्यूज़पेपर्स की हेडिंग बन रहा है और जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। तो जो अपनी केंद्र सरकार है वो लोगों को नागरिकता प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, तीन देश हैं जो उन देशों से, यानी कि पाकिस्तान है, दूसरा अपना अफगानिस्तान है और तीसरा है वो बांग्लादेश है। तो इन देशों से जो गैर मुस्लिम छह धर्म के जो लोग हैं, हिंदू है, उनमें जैन है, पारसी है, उनको आगे देखेंगे, उन लोगों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन ला रही है, उसी को कहते हैं मन नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। इंग्लिश में इसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, इसी का शॉर्ट फॉर्म है CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो अपन देखते हैं कि अपने जो UPSC की तैयारी है वो अपने लिए ये बिल कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको पता है अपने एक टॉपिक आता है पॉलिटी में और वो आता है नागरिकता, सिटीजनशिप। और नागरिकता का संविधान में प्रोविजन कहाँ है, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, संविधान से, पॉलिटी से। तो वो पॉलिटी में नागरिकता यानी सिटीजनशिप का प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, क्या है, उस सब की हम चर्चा यहाँ करेंगे। और हम साथ में ही चर्चा किसकी करेंगे, कैब बिल की। तो सबसे पहले देखेंगे अपन संवैधानिक प्रावधान कि नागरिकता है, सिटीजनशिप है, उसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो सबसे पहले नागरिकता का उल्लेख पूछा जाएगा सबसे पहले किस भाग, यानी कि पार्ट सेकंड। संविधान में पार्ट है, आपको पता है 22 भाग हैं, तो भाग दो में यानी कि पार्ट सेकंड में किसका प्रावधान है, नागरिकता का, सिटीजनशिप। अब आता है दूसरा अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद हैं 5 से लेके 11 जो आर्टिकल हैं उसमें किसका प्रावधान है, उसमें प्रावधान है नागरिकता का। तो अभी नागरिकता का प्रावधान हो गया, भाग और अनुच्छेद अपन ने देख लिए। अब जो चीज है वो ये है कि नागरिकता का प्रावधान जब संविधान में है तो अपने को अलग से कानून बनाने की जरूरत कहां से पड़ी, कि जब संविधान में लिख रखा है कि ये प्रोविजन है। लेकिन अब आप सबको पता है संविधान में जो ये प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान, इसके अनुसार जब अपना संविधान लागू हुआ 1950, जिस दिन से जो लोग यहां रह रहे थे उनको तो नागरिकता कैसे मिल गई, इस संवैधानिक प्रावधान के आधार पे। लेकिन अब आपको पता है कई बार अपन अलग अलग लोगों को, जैसे बाहर से कई बार अदनान सामी आए थे, उनको अपन ने नागरिकता दी थी, तो इसके क्या प्रोविजन होते हैं। कई बार अपन किसी की नागरिकता समाप्त कर देते हैं तो इसके क्या प्रोविजन होंगे। इसके लिए संविधान में इसी प्रोविजन में, इसी भाग सेकंड में संसद को, किसको, संसद को यह शक्ति दी है, किसने, संविधान ने, किस चीज की, कि वो कानून बनाए, किस चीज के लिए, नागरिकता, किस चीज के लिए कानून बनाए, नागरिकता के लिए, कि किन लोगों को नागरिकता दी जाए, यानी कि नागरिकता अधिग्रहण यानी कि प्राप्त करने की और नागरिकता त्यागने की, यानी कि किसकी नागरिकता अपन वापस ले सकते हैं और किसको नागरिकता दे सकते हैं। इसके लिए संविधान में एक वो बनाया गया, क्या, एक एक्ट बनाया गया संविधान में, एक अधिनियम, सॉरी, एक कानून बनाया संसद ने, नागरिकता एक्ट 1955, याद रखना, जो अपना नागरिकता से संबंधित मूल कानून है वो कौन सा है, नागरिकता एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसमें नागरिकता, किसी को नागरिकता देनी है, किसी से नागरिकता छीननी है, तो इसके सारे प्रोविजन इसमें दे रखे हैं। अभी तक इस जो अपना नागरिकता एक्ट 1955 है इसमें कितनी बार संशोधन हो चुके, कई सीधा क्वेश्चन आ सकता है, तो अभी तक 8 बार इसमें संशोधन हो चुके हैं और जो 2019 वाला हो जाएगा ये संशोधन हो जाएगा, इसके बाद में टोटल कितने हो जाएंगे, 9 संविधान संशोधन। आपका एक क्वेश्चन है, आप बताओगे कि कौन कौन से साल में
नागरिकता एक्ट में संशोधन हुए हैं? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताओगे, आपके लिए ये क्वेश्चन है। तो अभी तक 8 बार हो गए, संशोधन हो गए, तो इसमें संशोधन में क्या हुआ? इसमें ये बताया गया, जो नागरिकता एक्ट है इसमें ये बताया गया है कि किसी की नागरिकता कैसे दी जा सकती है और कैसे उसकी छीनी जा सकती है। तो इसमें नागरिकता देने के आधार क्या होते हैं? 4 आधार होते हैं। पहला होता है जन्म के आधार पर, कौन सा? बाई बर्थ, जन्म के आधार पर। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। दूसरा इसका प्रोविजन है कि नागरिकता किसी को कैसे दी जा सकती है। दूसरा है वो है वंश के आधार पे, जन्म के आधार पे मतलब आपने जिस देश में जन्म लिया है उसको आपकी नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। दूसरे वंश, वंश के आधार मतलब आपके माता पिता किसी देश के हो, जैसे इंडिया के आपके माता पिता हो या आपके दादा हो या दादी हो, नाना हो या नानी हो, उस आधार पर आपको नागरिकता। तीसरा आधार है वो है, वो क्या है? उस आधार को अपन बोलते हैं पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, यानी कि आप किसी देश में आए, रजिस्ट्रेशन कराया आपने, आप उस देश के मूल निवासी थे लेकिन बाहर चले गए थे, फिर वापस आए, वापस आपने रजिस्ट्रेशन दिया और आपने नागरिकता ग्रहण की। तो ये हो गए 3 प्रोविजन। अब जो चौथा प्रोविजन है, जो अपने काम का है, जो अभी चर्चा में है, वो है सबसे चौथा आधार है, वो है किसका? नागरिकता प्राप्त करने का। और वो चौथा आधार है देशीकरण। नाम थोड़ा अजीब है। दूसरा है प्राकृतिकरण या फिर प्रकृतिकरण, और इसका इंग्लिश नाम अच्छा है, वो है नेचुरलाइजेशन। क्या है? नेचुरलाइजेशन। यानी कि नागरिकता का जो चौथा आधार है वो है देशीकरण या प्राकृतिकरण या प्रकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन। कि कोई व्यक्ति है वो अपने देश का नहीं है, मूल रूप से अपने देश का नहीं है, वो दूसरे देश से आ रहा है, और उसको नागरिकता प्रोवाइड करने के क्या क्या आधार होंगे, उस आधार पे उसके आधार हैं। जैसे अभी तक जो अपना नागरिकता अधिनियम है उसमें यह आधार है कि कोई व्यक्ति पिछले 11 साल से भारत में रह रहा हो, कितने साल से? 11 साल से, याद रखना, और 1 साल से लगातार रहा हो, यानी कि पिछले 11 साल से तो रहा हो मतलब 6 महीने रहा हो, 7 महीने रहा हो, फिर दूसरे अपने देश में लौट गया हो, और 1 साल से लगातार रह रहा हो यानी कि इंडिया में रह रहा हो, तो इस आधार पे उसको क्या दी जा सकती है? नागरिकता दी जा सकती है। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं कि वो देश में रह रहा है तो इस आधार पे क्या की जाती है, उसको नागरिकता दी जाती है। अब देखते हैं, इतने सारे प्रोविजन हैं संविधान में और नागरिकता अधिनियम 1955 में। अब है एक संविधान संशोधन आ रहा है जो अपने लिए चर्चा का विषय है, करंट अफेयर का इश्यू है, आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो पहली बात, ये बिल है क्या? तो अपन कोई पूछे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कैब क्या है, तो आप एक वर्ड में बोलोगे यह है नागरिकता अधिनियम, अधिनियम 1955। ओरिजिनल विधेयक, ओरिजिनल अधिनियम कौन सा है? नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें प्रस्तावित, इसमें प्रपोज्ड जो संशोधन है, प्रस्तावित क्या है? संशोधन। तो प्रस्तावित संशोधन है किसमें? नागरिकता अधिनियम 1955 में। अब अपन देखते हैं कि यह संशोधन में क्या प्रस्तावित है, इतना विरोध क्यों हो रहा है, पूर्वोत्तर के लोग विरोध कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां विरोध कर रही हैं, विपक्ष विरोध कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, सारी पार्टियां हैं, कुछ विरोध कर रही है, कुछ इसका सपोर्ट कर रही है। तो पहली बात अब है कि इसमें ऐसा है क्या चीज, ऐसा क्या है कि इसमें विरोध किया जा रहा है? तो इसमें प्रावधान क्या है, जो प्रावधान है वो क्या है? इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो है कि 3 देश, याद रखना, कितने देश? 3 देश, और वो कौन से देश? अपने पड़ोसी देश 3, कौन कौन से? पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, और तीसरा है वो है बांग्लादेश। कि ये जो 3 मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये 3 मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन 3 मुस्लिम कंट्रीज के 6 धर्मों के, याद रखना,
कितने धर्म? छह धर्म, छह धर्मों के लोग। तो ये छह धर्मों के लोग कौन कौन से हैं, ये देखो छह धर्मों के लोग कौन कौन से हैं। छह धर्म, पहला धर्म है हिंदू धर्म, दूसरा है सिख धर्म, तीसरा है ईसाई धर्म, चौथा है पारसी, पांचवा है जैन और बौद्ध। यानी कि इसमें मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों का प्रावधान नहीं है, यानी कि उनको ये नागरिकता प्रोवाइड नहीं की जाएगी। किस प्रकार प्रोवाइड नहीं करेगी कि जो छह धर्मों के देश हैं, इन तीन देशों से आने वाले, उनको भारत में आने के पश्चात क्या प्रोवाइड की जाएगी? नागरिकता। तो अभी कह रहे हो कि नागरिकता तो पहले भी प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन इसमें क्या संशोधित है? इसमें एक तो संशोधित है कि ये तीन छह धर्मों के होंगे, यानी कि गैर मुस्लिम होंगे, मुस्लिम इसमें सम्मिलित नहीं है। सरकार का लोग विरोध कर रहे हैं कि केवल मुस्लिमों को इस, केवल इन छह धर्मों को क्यों, मुस्लिमों को अलग क्यों कर रहे हो? तो सरकार ने तर्क दिया है कि इन तीन देशों में, इन तीन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और ये देश मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो इन ये बाकी के छह धर्म वाले लोग हैं वो क्या है, यहाँ अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज हैं। तो ये माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है, यहाँ अत्याचार होता है। तो सरकार का ये तर्क है, इसलिए हम इन लोगों को अपने देश में नागरिकता दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। तो अब है कि किस प्रकार नागरिकता मिलेगी, पहले से क्या परिवर्तित किया है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नागरिकता का एक आधार होता है नेचुरलाइजेशन, प्रकृतिकरण या देशीकरण। उसमें क्या प्रोविजन था, उसमें प्रोविजन था कि कोई व्यक्ति 11 साल से भारत में रहा हो, 11 वर्ष तक, और एक साल तक, यानी कि पिछले एक साल से लगातार भारत में रह रहा हो, उसको आप क्या दे सकते हो, भारत की नागरिकता। तो इसमें एक प्रोविजन किया गया, इसमें एक चेंज किया गया ये वाले प्रोविजन में, वो क्या है, इसमें चेंज किया गया है कि जो अब है, अब कोई व्यक्ति यदि 5 वर्ष से, यानी कि पिछले 5 ईयर से लगातार भारत, यानी पिछले 5 साल से भारत में रहा हो, और पिछले एक साल से भारत में, पिछले एक साल से भारत में लगातार रह रहा हो, यानी कि अपने देश वापस नहीं जा रहा हो, कंटिन्यूसली यहाँ रह रहा हो, यानी कि पहले अवधि कितनी थी 12 वर्ष और अब कितनी हो गई 6 वर्ष, 5 वर्ष पिछले से रहा हो और एक साल से लगातार रहा हो। सबसे बड़ा चेंज ये है, और एक चेंज ये है किन किन लोगों को दिया जाएगा। तो देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन की अवधि, आपकी क्वेश्चन आ सकता है कि अब नागरिकता प्राप्त करने के लिए देशीकरण या प्राकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन की अवधि कितनी है, तो 5 वर्ष रहा हो प्लस एक साल लगातार रह रहा हो, पहले कितनी थी 11 वर्ष प्लस एक वर्ष। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। तो ये सारा चेंज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अभी आपको पता है लोकसभा में ये बिल कल पारित हो चुका है, आज ये बिल कहाँ जा रहा है, राज्यसभा में जा रहा है। हम अपने गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने इस पे तर्क दिए, सत्ता पक्ष ने दिए, विपक्ष ने दिए, तो अलग अलग तर्क आए। तो अब अपन देखते हैं कि जब ये प्रोविजन है तो इसमें लोगों को प्रॉब्लम कहाँ है, विरोध क्यों हो रहा है, विरोध के क्या कारण हैं, क्या आधार हैं। तो सबसे पहले अपन विरोध देखते हैं राजनीतिक पार्टियों का, कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस आधार पर विरोध करती हैं। राजनीतिक पार्टियां हैं, ह्यूमन राइट्स वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी जो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल हैं, वो किस आधार पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक दलों का विरोध, तो इसका आधार क्या है। तो आप सबने संविधान पढ़ा होगा, और संविधान में आपको पता है प्रस्तावना में क्या लिखा है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्मों को समानता है, किसी के धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है। और साथ ही आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 14, 15, इसके अलावा 21, इसके अलावा 25 और 26, ये अनुच्छेद आप जब यूपीएससी का मोड आंसर लिखो, मेंस में लिखो, तब आपके ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अपने पक्ष या तर्क में देने पड़ेंगे कि पक्ष में विपक्ष में आप क्या कहना चाह रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको बताने पड़ेंगे। आपको पता है आर्टिकल 14, 15 किससे संबंधित है, इक्विलिटी, समानता, कि किसी के आधार, किसी के साथ लिंग है, जन्म स्थान है, धर्म, इंपॉर्टेंट क्या है, धर्म के आधार पर भारत का संविधान भेदभाव नहीं करता। तो विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि जो ये प्रस्तावित संशोधन है ये किसका उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 14 का, क्यों, क्योंकि ये भेदभाव करता है किसके आधार पे, धर्म के आधार पे, कि इसमें जो केवल गैर मुस्लिम लोग हैं उनको ही क्या दिया जा रहा है,
नागरिकता दी जा रही है, मुस्लिम है यानी धर्म के आधार पे नागरिकता नहीं दी जा रही। लेकिन इसका साथ ही एक मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो विरोध में जो तर्क दे रहे हैं कि ये नाग समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो समानता का मूल अधिकार है वो केवल जो देश के नागरिक हैं उनके लिए है, बाहर के जो लोग हैं उनके लिए समानता का अधिकार लागू नहीं होता। तो ये इस आधार पर विरोध हो रहा है। इसके अलावा आर्टिकल 25 और 26 में किसका प्रोविजन है? आर्टिकल 25 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता, 26 भी उसी से रिलेटेड। तो ये आधार हैं किसके विरोध के, किसके राजनीतिक दलों के, कि ये संसद जो भारत का संविधान है उसकी मूल भावना, मूल भावना क्या है कि हम एक पंथ निरपेक्ष देश हैं, उसका उल्लंघन बता रहे हैं ये लोग। लेकिन सत्ता पक्ष है जो सरकार है वो तर्क दे रही है कि ये सब का संशोधन हम इन लोगों को न्याय प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इन लोगों के साथ इन देशों में क्या हो रहा है, इन देशों में क्या हो रहा है, इनके साथ भेदभाव हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो ये हम सब इन लोगों के साथ न्याय प्रोवाइड करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये इतना सारा चल रहा है। इसके साथ ही आप सबने देखा होगा एक और विरोध है, एक राजनीतिक दलों का हो गया और दूसरा है जो सबसे ज्यादा आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, जागरण की हेडलाइन देखते होंगे, द हिंदू की देखते होंगे, वो आता है पूर्वोत्तर प्रदेशों, पूर्वोत्तर प्रदेशों का विरोध। पूर्वोत्तर प्रदेश कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। तो इन लोगों का विरोध सबसे ज्यादा क्या है, आक्रोशित हो रखा है कि इन लोगों का। तो आपको पता है ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको सबको पता है कि ये लोग क्या है, जनजाति बहुल, जनजाति यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं यहाँ पे ज्यादा पाई जाती हैं, जनजाति लोग यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। तो इन लोगों का विरोध है कि जब आप ये सब अलाउ कर दोगे, यानी कि क्या इन गैर मुस्लिम छह धर्मों के लोगों को आप नागरिकता प्रोवाइड करना अलाउ कर दोगे, इनको वैध नागरिक बना दोगे, तो क्या होगा? तो इससे ये होगा कि ये लोग जैसे कि पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश है आपको पता है, और बांग्लादेश के शरणार्थियों की समस्या अपने ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और ये पूर्वोत्तर वाले देशों में, पूर्वोत्तर वाले प्रदेशों में इसकी समस्या और भी ज़्यादा है। तो ये दो लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा अलाउ करोगे तो जो बांग्लादेश से जो बंगाली लोग हैं, जो हिंदू हैं, पारसी हैं, जो भी गैर मुस्लिम ये लोग आएंगे यहाँ से, और ये आके कहाँ बसेंगे? बांग्लादेश के पास में कौन है? ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स, पूर्वोत्तर वाले स्टेट, तो ये आके कहाँ बसेंगे? अपने यहाँ बसेंगे, हमारे यहाँ पे बसेंगे। इससे क्या होगा? इससे इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या वो होगी कि जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी पहचान है, स्थानीय पहचान, संस्कृति, आपको पता है शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जो जनजाति लोग होते हैं वो अपनी कल्चर के लिए, अपनी पहचान के लिए संवेदनशील होते हैं, वो इसमें चेंज देखना नहीं पसंद करते क्योंकि वो अपने इन सब से बहुत गहराई से जुड़े हुए होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इससे हमारी संस्कृति पहचान प्रभावित होगी, हमारी पहचान प्रभावित होगी, हमारी जो स्थानीय रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज पे दबाव बढ़ेगा, नौकरी ये लोग ले जाएंगे, हमारी रिसोर्सेज ये लोग ले जाएंगे। तो ये सब विरोध के आधार हैं किनके? नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, स्पेशली आपने देखा होगा आसाम में सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है इस चीज़ का। तो इस सब का समाधान करने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के जो समस्याएं हैं उनको कम करने के लिए, उनको आश्वासन देने के लिए गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया है या एक प्रोविजन किया है, जो ये कैब बिल है। कौन सा बिल? कैब। इसमें एक प्रावधान है कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें आपको पता है अनुसूची 6 वाले 4 राज्य, अनुसूची 6 यानी कि शेड्यूल 6, अनुसूची 6 वाले 4 राज्य कौन कौन से? अनुसूची 6 में असम, दूसरा है त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कि जो अनुसूची 6 में सम्मिलित 4 राज्य असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम। आप सबको याद रहना चाहिए कि अनुसूची 6 में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। तो इन 4 स्टेट्स के जो जनजाति बहुल इलाके हैं वो किस में आते हैं? अनुसूची 6 में।
तो ये अनुसूची 6 में जो क्षेत्र शामिल है उनमें ये अधिनियम लागू नहीं होगा। तो इसलिए आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो, हम आपकी जो समस्या है उसको यहाँ पे देख रहे हैं, इनमें हम अलाउ नहीं करेंगे। और एक चीज है, वो है आपने सुना होगा इनर लाइन परमिट। आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं, अभी जो 3 हैं, कि उन स्टेट्स में जाने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, एक अनुमति लेनी पड़ती है, उसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट कहाँ कहाँ लागू है, मिजोरम, नागालैंड और तीसरा अरुणाचल प्रदेश। और अभी हाल में घोषणा हुई है संसद में कि मणिपुर में भी क्या लागू करेंगे, इनर लाइन परमिट। तो इन तीन लोगों, अभी जो 3 राज्य हैं कौन कौन से, इनर लाइन परमिट वाले, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। तो इन राज्यों में क्या लागू नहीं होगा, कैब, कैब के प्रोविजन, यानी कि जो नागरिकता दी जाएगी इन स्टेट्स में जो लोग जाएंगे उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार गृह मंत्री जी ने इनकी जो समस्या है, इनके जो चिंताएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश की है। फिर भी आसाम है उसमें सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि आसाम का जो अनुसूची 6 वाला क्षेत्र है वहाँ तो लागू नहीं होगा जो जनजाति, लेकिन इसके अलावा जो क्षेत्र है यहाँ वहाँ पर ये प्रोविज़न लागू होंगे, तो इससे उनकी क्या होगी, जो उनकी पहचान है उनकी, वो संकट आ जाएगा पहचान पे, उनकी संस्कृति पे, उनके संसाधनों पे, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। अब एक लास्ट इन्फॉर्मेशन यानी जो चीज़ मैं आपको दे देता हूँ वो है कि ये जो इसमें एक डेट आ रही है उसका नाम है कैब, जो बिल है कैब, उसकी कट ऑफ डेट। सीधा क्वेश्चन आएगा कैब की कट ऑफ डेट क्या है, तो ये कट ऑफ क्या चीज़ है, इसका मतलब ये है कि वो लोग जो 31 दिसंबर 2014, यानी कि जो 31 दिसंबर 2014 से भारत में आ चुके हैं, तो ध्यान रखना 31 दिसंबर 2014 से जो भारत में आ चुके हैं केवल उनको अभी नागरिकता के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। कौन से वाले, 31 दिसंबर 2014 वाले। तो ध्यान रखना कट ऑफ डेट क्या है, 31 दिसंबर 2014। थैंक यू, होप कि आपको समझ में आया होगा। आपसे इस रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकें। थैंक्स।